सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए खौफनाक सफ़र के ऊपर। भाई साहब देखो, कोई इस बात को, मेरी बात को सीरियसली मत लेना भाई। मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ भाई। देखो क्या हो, आपके परिवार का कोई सदस्य किसी काम से बाहर जाए और रात को वापस आए, दरवाज़ा खटखटाए, आप खोलते हो, वो अंदर आता है, अपने कमरे के अंदर जाकर सो जाता है। आपको ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल चीज़ लग रही होगी, ठीक है, लेकिन उसी समय आपको कोई कॉल आता है और कहता है कि जो शख्स अभी आया ना, उसकी डेड बॉडी रोड के ऊपर पड़ी है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? भाई साहब ये सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं आपको, ये इसी जगह की घटना है और इसी गांव की घटना है। भाई साहब ऐसा ही एक फैमिली के साथ हुआ था। उनके परिवार के जो सदस्य हैं, मतलब एक औरत थी जो किसी काम से बाहर गई थी, वो शाम को आई और उसके थोड़ी देर बाद उसके डेड की खबर आई। भाई साहब इसका मतलब जो घर पे आई थी वो लेडी नहीं थी, उसकी आत्मा थी। भाई जब ये उसके परिवार वालों को ये चीज़ पता चली ना, उनके रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने बाद में क्या किया कि बहुत सारे पुजारी तांत्रिक वगैरह को लेके आए और पूरी क्रिया कराने की कोशिश की, लेकिन हर रात वो आत्मा उस घर के अंदर आती और रात को आकर दरवाज़ा बजाती। भाई साहब ये बात मैंने सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार, और डर भी लगने लग गया। भाई साहब ऐसा हमारे साथ हो जाए तो कैसा लगता है अपने? भाई ख़तरनाक चीज़ है। और कहा जाता है कि भाई उस परिवार ने वो घर छोड़ दिया, वो घर आज भी अधूरा पड़ा हुआ है, और किसी अगले वीडियो के अंदर मैं आपको वो घर भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो भाई साहब और कहा जाता है कि जो आत्मा है ना, वो उस घर से निकलकर जहां और उसका एक्सीडेंट हुआ था, मतलब उसके एक्सीडेंट के अंदर डेथ हुई थी ना, उस एक्सीडेंट वाली जगह के ऊपर वो आत्मा हमेशा के लिए बस गई है, और वहां पर जो लोग जाते हैं ना उनके ऊपर वो अटैक करती है। ऐसी चीज़ देखने को मिली है। अब भाई देखो यार, ये मेरे पीछे जो सड़क देख रहे हो आप, ये वही सड़क है, ये एक शमशान, मतलब शमशान की ओर जाती है सड़क, और भाई साहब आगे यहाँ पर मतलब पूरा जंगल है, जंगल का इलाका है। तो भाई साहब अभी हम सड़क के ऊपर ही खड़े हुए हैं और अभी आपको चल के दिखाते हैं। भाई साहब ये पूरी सड़क अभी हम जाएंगे, वाकई में अगर वहाँ पर कोई आत्मा है तो भाई दिखेगी, अगर नहीं है, जो लोगों में एक जो होते हैं ना, मतलब गलत फहमी होती है लोगों के अंदर, कुछ भी लोग दिखा देते हैं वो चीज़ें, वो भी पता पड़ जाएगी, ठीक है। तो अभी आगे की ओर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ओके तो भाई साहब ये देख सकते हो सड़क, पहले यहाँ पर कच्चा रास्ता था, अभी नया रास्ता बना है। और भाई साहब ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सड़क है। यहीं से आगे कुछ कहा जाता है कि भाई एक जगह है जहाँ पर वो आत्मा कई बार दिख चुकी है, कई लोगों को दिख चुकी है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं भाई, वाकई में कोई है तो दिखेगी और नहीं है तो भाई कुछ नहीं है, ठीक है। भाई देख सकते हो पूरा चारों तरफ ये जंगल है, ये देखो भाई साहब। भाई भाई कुछ खड़ा है, क्या ये? उतर उतर उतर, ये क्या भाई? कुछ है, गाड़ी की लाइट है, वो देखो वो खड़ा है भाई। पीछे 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 गाड़ी पीछे लेने, उधर उधर बैटरी उधर। भाई कोई है वहां पर? हो सकता है कोई लूटर चोर वगैरह भी हो सकते हैं। आओ आगे आओ, जल्दी मेरे साथ में आओ। कौन है? हे भगवान, कौन है, कौन है? देखो ये क्या बोला है भाई, भाई कोई है यार। कौन हो तुम? आगे मत जाओ, रिस्क है भाई, आगे मत जाओ। भाई भाई रुक रुक, कोई है। कौन हो तुम? पता वरना एक पत्थर की मार दूंगा मैं। कौन है, कौन है तू?
भाई कोई है भाई सामने आ गए भाई। अब क्या करें? भाई वही बोला वही लड़की है भाई। गाड़ी स्टार्ट क्या करें? क्या करे भाई? गाड़ी चलो, गाड़ी को लेते एक बार। तो वही वहां पे खड़ी यार, कैसे लें उसको? अब क्या करें? तो यार ये वही लड़की भाई, वही लड़की है। हे भगवान, हे भगवान, ओम हम हनुमते नमः। भाई गाड़ी के पास ही खड़ी थी वो यार। अभी तो नहीं, भगवान नहीं दिख रही भाई, नहीं दिख रही अभी तो। चल चल निकल, वैस की टांग करके गाड़ी लो। हे भगवान, हे बालाजी, नहीं दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा है। गाड़ी लो जल्दी से। भाई यहीं पे थी यार। कहीं गई वो? क्या हुआ? ए डर करने लग गया भाई। क्या हुआ? तो से गाड़ी लो यार, निकल भाई। भाई वो तो टी भाई बैठ 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 ऊपर बैठ ऊपर बैठ जल्दी बैठ भाई भाई पूरा बैठ 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 भाई 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 निकल भाई 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 निकल भाई 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 भाई